पाकिस्तान को एक बड़ा सदमा लगा है। कुछ तस्वीरों ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा कर रख दिया है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी तो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। और ये तस्वीरें भी ऐसे वक्त में आई हैं जब बिलावल भुट्टो 4 मई को भारत दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती और पूर्व पीएम बेंजीर भुट्टो की भतीजी ने ईसाई धर्म के नागरिक से निकाह कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया उससे नफरत फैलाने वालों की छाती पर सांप लौट गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान का ताकतवर परिवार का कोई सदस्य अगर शिव भक्त बन जाए तो कट्टरपंथी रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। आपको बता दें कि काबुल में पैदा हुई 40 साल की फातिमा जानी मानी पत्रकार और लेखिका हैं। उन्होंने ईसाई धर्म के ग्राहम से बेहद सादगी भरे समारोह में निकाह किया। इसके बाद वो दोनों कराची के एक शिव मंदिर गए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाया। ऐसा उन्होंने कराची में रहने वाले सिंधी लोगों के सम्मान में किया। लेकिन कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा, इस वजह से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की तो वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा कि मुसलमान होने के बाद वो आखिर मंदिर में क्यों गई। फातिमा भुट्टो और ग्राहम ने शादी के लिए जो जगह चुनी उसकी भी खूब तारीफें हो रही हैं। दोनों ने पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की 70 क्विल्फ्टन स्थित ऐतिहासिक लाइब्रेरी में निकाह किया। इस दौरान फातिमा के भाई ने उनकी बाजू पर दादी का इमाद जमीन बांधा। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी के पहले झंडे और उनकी तस्वीरों की मौजूदगी में दोनों ने निकाह किया। वही फातिमा मानती है कि वो पहले मुस्लिम है लेकिन सभी धर्म का सम्मान करती है। वो खुद को सेकुलर मानती है। कई मौकों पर वो इस्लाम धर्म के समर्थन में भी खड़ी दिखती है। यहाँ तक कि बुरके के पक्ष में उन्होंने ये भी कहा था कि पहनना या नहीं पहनना महिलाओं का अपना अधिकार है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें दिखाई दे रहा है कि फातिमा अपने भाई और पति के साथ यहाँ के प्राचीन महादेव मंदिर में गई। उनके साथ कई स्थानीय हिंदू नेता भी थे। इसके बाद उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। सोशल मीडिया पर जहां बहुत से लोगों ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में देखते हुए तारीफों के पुल बांध दिए तो वहीं कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। एक शख्स ने तो लिख दिया कि आखिर इस रस्म की जरूरत ही क्या थी। बता दें कि पाकिस्तान की राजनीति में भुट्टो परिवार का खून भी शामिल है। इस परिवार के बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया है। 1979 में सैन्य तख्ता पलट हुआ और तानाशाह जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़वा दिया था। 1985 में चाचा शहनवाज भुट्टो की लाश फ्रांस के एक अपार्टमेंट में मिली। साल 1996 में पिता मुर्तजा भुट्टो भी फातिमा को छोड़कर चले गए। घर के बाहर ही उनका एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि बुआ बेंजीर भुट्टो देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन दिसंबर 2007 में एक रैली के दौरान उन्हें भी मार दिया गया था। यानी कि परिवार काफी सुर्खियों में रहा है। लेकिन अब जो फातिमा भुट्टो ने किया वो पाकिस्तान में एक नए बवाल को जन्म दे रहा है। कोई इनकी तारीफ कर रहा है तो कोई आलोचना में पीछे नहीं हट रहा। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।